नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। देखिए, कुछ ही दिनों बाद नया वर्ष आने वाला है और सभी लोग ये जानने को इच्छुक होते हैं कि उनका नया वर्ष किस प्रकार का रहने वाला है। तो मैं आपको आपकी राशि अनुसार ये बताने का प्रयास करूंगा कि आपका जो आने वाला वर्ष है वो किस प्रकार रहेगा। और ये वार्षिक राशिफल जो मैं बताने वाला हूँ वो 7 बिंदुओं पर डिपेंड करेगा, यानी 7 बिंदुओं को लेकर मैं आपको आपका राशिफल बताऊंगा। वो बिंदु कौन कौन से होंगे? व्यवसाय, धन संपत्ति, घर परिवार, स्वास्थ्य, यात्रा और तबादला, परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षा, धार्मिक कार्य तथा उपाय। इन्हीं 7 बिंदुओं के ऊपर मैं आपको पूरा वार्षिक राशिफल देने वाला हूं। तो इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि की। वैसे आपने देखा होगा कि मेरे जो पिछले 5 वीडियो थे वो शुरू की 5 राशियों के बारे में थे और आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम व्यवसाय की। तो व्यावसायिक दृष्टि से ये वर्ष आपके लिए अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि गुरु और अन्य ग्रहों के प्रभाव से पहले के वर्षों की अपेक्षा अच्छा रहने की उम्मीद है। यानी इस साल क्या है कि आपके जो वार्षिक फल है उसके अंदर गुरु और कुछ अन्य ग्रहों के प्रभाव के कारण आपका ये साल अच्छा रहने वाला है। इस वर्ष आप छोटे छोटे निवेश करके तथा नई नई योजनाओं को शुरू करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अगर आप चाहें कि आप अच्छा लाभ कमाना चाहते हैं तो छोटे छोटे निवेश कीजिए और नई नई योजना बनाइए तो आपको लाभ अच्छा मिलेगा। रुके हुए कार्यों में सफलता मिलने के संकेत है। यदि आप एक नौकरी पेशा हैं तो कार्य की अधिकता से तनाव की स्थिति बन सकती है। यानी कि अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा काम मिले, इससे तनाव की स्थिति बन सकती है, जिसके कारण अधिकारी वर्ग से परेशानी भी हो सकती है। यानी कि जब काम ज़्यादा मिलेगा तो जाहिर है आपको अपने अधिकारियों से परेशानी तो होगी। यदि आप उत्पादन प्रोजेक्ट से जुड़े हो, मतलब जहां ऐसे प्रोजेक्ट है जो कि प्रोडक्शन करते हैं, तो ऐसे जगह पर इस वर्ष आप रिकॉर्ड प्रोडक्शन भी करेंगे और रिकॉर्ड सेल्स भी करेंगे। चलिए अब बात करते हैं धन संपत्ति की। तो आर्थिक आधार पर देखा जाए तो इस वर्ष आपकी जमा पूंजी में लगातार वृद्धि होगी। यानी जो भी आपने जमा पूंजी रखी है वो बढ़ेगी। इस वर्ष ग्रहों का कुछ ऐसा संयोग बन रहा है जिसके चलते आपको स्थायी संपत्ति का लाभ भी मिल सकता है। हो सकता है कि आपके घर वाले यानी आपके पापा आपके जो हिस्से की जमीन है, आपके हिस्से का जो घर है वो आपको दे दे, लेकिन आप स्वयं भूमि और भवन से संबंधित कुछ काम करेंगे तो उसमें परेशानी हो सकती है। चलिए बात करते हैं घर परिवार की। तो इस वर्ष आपके परिवार में कोई शुभ कार्य या मांगलिक कार्य होने के कारण खर्च में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जाहिर है घर में अगर किसी प्रकार का मांगलिक कार्य होता है तो खर्च तो बढ़ता ही है। समाज में आपको मान प्रतिष्ठा भी मिलेगी और भौतिक संसाधनों का भी आप आनंद ले सकते हैं। यानी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और भौतिक सुख सुविधाएं भी आपको जरूर मिलेगी। चलिए बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये वर्ष थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है। बीपी तथा शुगर की समस्या बनी रहेगी। आपको किसी भी प्रकार के संक्रमण से भी अपने आप को बचाना होगा। फिर मैंने आपको बताया कि कोविड का दौर चल रहा है, इसलिए आप अपने आप को संक्रमण से जरूर बचाएंगे। जून से अगस्त में घात आदि का भय हो सकता है, इसलिए आप अपने आप को सुरक्षित रखें। चलिए बात करते हैं यात्रा और तबादले की। तो इस वर्ष आपके कार्यक्षेत्र में बदलाव की संभावना होती दिख रही है। यानी हो सकता है कि आपका कहीं पर ट्रांसफर हो जाए या फिर आप अपना कार्यक्षेत्र ही बदल लें। कहीं दूर जाने का प्लान भी बन सकता है और ये प्लान किसी मांगलिक कार्यक्रम को लेकर भी हो सकता है। हो सकता है आप कहीं दूर चले जाएं और ये जो प्लान बना रहे हैं आप दूर जाने का, वो किसी मांगलिक कार्य को लेकर भी हो सकता है। फरवरी से अप्रैल के बीच किसी महत्वपूर्ण कार्य से आप यात्रा कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम परीक्षा या प्रतियोगिता की। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और आप कोई प्रतियोगिता परीक्षा देना चाह रहे हैं तो शिक्षा तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए वर्ष आपके लिए तभी उत्तम रहेगा जब अपनी मानसिक एकाग्रता को मजबूत बनाए रखेंगे। यानी आप चाहते हैं कि आप प्रतियोगिता परीक्षा में या किसी प्रकार की परीक्षा में आप सफल हो, तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी मानसिक एकाग्रता को मजबूत बनाए रखेंगे, तभी यह हो सकता है। तथा साथ ही कठिन परिश्रम भी करेंगे तभी आपको ये सफलता मिलेगी। इस वर्ष आपके यश और प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग भी बन रहे हैं। अगर आप ये सब कर लेते हैं तो प्रतिष्ठा तो आपको मिलेगी। अब बात करते हैं धार्मिक कार्य की। यानी कौन सा उपाय आप करें कि इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो आपको मिल जाए। तो श्री यंत्र का पूजन करना इस वर्ष आपके लिए लाभदायक होगा। बुधवार के दिन भगवान गणपति की उपासना करना शुभ फलदायी होगा। फलदार वृक्ष लगाना तथा गोमेद या पन्ना धारण करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर ये उपाय आप करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो कैसा
तो कैसे लगा आपको ये वीडियो और उसमें दी गई जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नई राशि तुला राशि के बारे में। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।